गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हो आप सब? तो आज है 17 सितंबर, और 17 सितंबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? जापान, चीन, भारत, नेपाल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसने जीता है तो भारत ने, और किसे हराया है तो नेपाल को हरा कर भारत ने फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलंबो, श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ। संस्करण कौन सा है? 7वां है। सैफ का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। अध्यक्ष कौन है? काजी सलाहुद्दीन इसके अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो भारत का पहला सेमी कंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अहमदाबाद गुजरात में, हैदराबाद तेलंगाना, या चेन्नई तमिलनाडु में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सही आंसर ऑप्शन ए, कहाँ पे? तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनाया जाएगा, जिसमें खनन दिग्गज वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज फॉक्सकॉन से 1.54 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस प्लांट में ग्रुप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग यूनिट तैयार किए जाएंगे। सेमीकंडक्टर क्या होता है देखते हैं। वे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन ताप बढ़ाने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना कौन सी? अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। आगे देखते हैं जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8462 झील के निर्माण हुए हैं, और अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया, जबकि 244 और 231 झीलों के साथ गोरखपुर और प्रतापगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। भारत में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो फर्स्ट पे अपना उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे जम्मू कश्मीर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 कब मनाया गया है? 14 सितंबर, 13 सितंबर, 11 सितंबर, 15 सितंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कब मनाया गया है? तो 15 सितंबर को मनाया गया है। आगे देखते हैं यह दिवस लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। और वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो ये 2008 में पहली बार मनाया गया था। और इस वर्ष की थीम क्या है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। और संस्करण कौन सा है? तो 15वां संस्करण है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 8 सितंबर को मनाया गया है। थीम क्या है? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। थीम क्या है? तो ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेरॉयड दिवस कब मनाया गया है? 30 जून को। और इसकी थीम क्या थी? तो स्माइल इज ब्यूटीफुल। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 29 जून को मनाया गया है। थीम क्या है? तो डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। महिला समानता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 26 अगस्त को मनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 13 सितंबर, 14 सितंबर, 12 सितंबर या 15 सितंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को मनाया गया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देखते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्कैरपर डे मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है। और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। 7 सितंबर को ब्राजील स्वतंत्रता दिवस, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है।
विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है, 9 सितंबर को हिमालयन दिवस, विश्व ईवी दिवस मनाया गया है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है, 11 सितंबर को पैट्रियट डे विनोबा भावे जयंती राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस या अभियंता दिवस मनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन की वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड, पेरिस फ्रांस, जाकार्ता इंडोनेशिया, कोपेनहेगन डेनमार्क। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कहाँ पे? कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार किस चिड़ियाघर को भारत के पहले सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? तो पदंजा, नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क या फिर अरिंगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क या श्री चामरा जैन जूलॉजिकल पार्क या अलीपुर जूलॉजिकल पार्क। तो सही आंसर ऑप्शन ए किसे दिया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को दिया गया है, जो कि कहाँ है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है ये। आगे देखते हैं शीर्ष 3 कौन कौन से हैं, तो पदंजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, सेकेंड पे है अरंगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, थर्ड पे है श्री चामरा जैन जूलॉजिकल पार्क, जो कि कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स 3rd ने वेल्स के नए प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में किसे नियुक्त किया है? विलियम और कैथरीन, एलिजाबेथ मिडलटन या जॉर्ज ऑगस्टस और टाइविस को सिमरू को या फिर एडवर्ड अल्बर्ट और लेडी डायना स्पेंसर को या जॉर्ज फ्रेडरिक और अलेक्जेंड्रा मिडलटन को? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए किसे, तो विलियम और कैथरीन एलिजाबेथ मिडलटन को। आगे देखते हैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स अब नए किंग बन गए हैं, वहीं उनके पुत्र विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की पत्नी कैथरीन को प्रिंस ऑफ वेल्स बनाया गया है। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? ओलकर टर्क बने हैं। किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुएला ब्रेवरमैन को। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? लीज ट्रस बनी है। केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम रूटो बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? क्रिस मूर्ति सुब्रमण्यम बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 1 अक्टूबर या 20 सितंबर से 5 अक्टूबर, 14 सितंबर से 2 अक्टूबर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 सितंबर से 1 अक्टूबर। कब? 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के विभिन्न राज्यों में फैले बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए BLOE पत्रिका को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? नीति आयोग, चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किसने लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। देखते हैं BLOE पत्रिका डिजिटल प्रारूप में स्वीप डिवीजन द्वारा तैयार किया गया, द्विमासिक प्रकाशन होगा और चुनाव आयोग BLO के साथ सीधे आवधिक और समय पर संचार सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से प्रकाशन ला रहा है, जो देश में नागरिकों को चुनावी सेवाएँ प्रदान करने के महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? तो राजीव कुमार है। आगे देखते हैं आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक्स।